हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मैजिशियन गाय। आई होप आप सब लोग खुश होंगे। सो आज मुझे फाइनली कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि यू नो अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा कि जब जा ही रहा हूँ क्यों ना आप लोगों को मेरा कॉलेज भी दिखा दूँ। सो लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगता है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ विच इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग वन, वेरी ईजी। एक बिगिनर कार्ड कंट्रोल है जो कि आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। कार्ड कंट्रोल तो है ही, लेकिन आप इसको और भी बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रिक यू आर परफॉर्मिंग। सो लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग का प्रैक्टिस तो हो गया है, आप शायद आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। सो अभी हम लोग जाएंगे मधुबन, यहाँ पे पास में गार्डन है। सो वहाँ पे आप आएंगे तो कभी विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा जगह है। सो वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर कोई मिला तो हम लोग थोड़ा मैजिक भी परफॉर्म करेंगे। ये है मधुबन। सो अब हम यहाँ पे एक ग्रुप है। सो हम लोग वहाँ जाके थोड़ा मैजिक परफॉर्म करेंगे, फिर घर जाके आपको मैं ट्रिक बताऊँगा। देखो मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्मल पैक है, ठीक है। सारे कार्ड्स इसके रैंडमली अरेंज हैं, ठीक। अब तुम कहीं पे भी स्टॉप बोलो, स्टॉप ये, ठीक है। अब इस कार्ड को याद रखना, और क्या कार्ड है मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे इतना बताओ कार्ड तुम्हारा काला था या लाल। लाल लाल, ठीक है। अब देखो मैं इसको, तुम चाहो तो शफल कर दो, इसको मिक्स कर दो। ठीक है, अब मैं इसमें से पांच कार्ड निकालूंगा। अगर तुम्हारा कार्ड उनमें रहा, ठीक है, कुछ बोलना मत, कोई रिएक्ट मत करना ताकि मुझे पता ना चले। तो कोई भी पांच जो मुझे लगता है कि हाँ तुम्हारा हो सकता है, वो पांच कार्ड्स मैं निकाल लूंगा इसमें से। कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पांच कार्ड्स हम लोग को मिल गए हैं। तो इनमें से तुम्हारा कार्ड कोई भी हो सकता है, बस मुझे बस ये पता चलने मत देना, ठीक है। अब अपना एक हाथ सामने लो। अब मैं मान लो आधा पैकेट यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे इसे पूछूंगा, तुम बस, मैं तुमको पूछूंगा कि ये तुम्हारा कार्ड है, तो तुम बोलना कि मन में हाँ या ना बोलना, मतलब मुझे सुनाई ना दे, ठीक है। तो ये कार्ड है, देखते हैं, ये भी हो सकता है, देखते हैं। और ये है, बोलना मत कुछ, मन में सोचो। और ये भी हो सकता है, ये शायद हो सकता है। चलो इसको वैसे ही पकड़े रहना। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच कार्ड्स हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पांच। अब तुम अपना हाथ फैलाओ, अब इसको ऐसे पकड़े रहो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपना हाथ सीधा रखो इसको ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको नीचे रखा हूँ, देखना, बस इतना करने से पता है क्या हुआ, पहले पांच कार्ड्स थे, अब इतना बताओ तुम्हारा कार्ड उन्हीं पांच में से था, हाँ। तो अब पांच में से एक कार्ड गायब हो जाएगा। देखो कितने कार्ड हैं, एक दो तीन चार, एक कार्ड गायब हुआ है। अब पलट के देखो, तुम्हारे कार्ड गायब हुए हैं उसमें। अरे अब देखो ये पांच कार्ड्स मैं ले लेता हूँ, तुम इस कार्ड को तुम शुरू से पकड़े थे, ठीक है, इसको उल्टा करो, अब फैलाओ। देखो सारे कार्ड्स नॉर्मल है, ठीक है, अब इसको पकड़ो,
अब देखो क्या होने वाला है। पूरे कार्ड्स में सारे कार्ड्स नॉर्मल है सिवाय एक कार्ड के जो कि पूरे पैक में उल्टा है, और वो तुम्हारा ही कार्ड है ना, यही तुम्हारा कार्ड था। तो गाइस आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सो जिस मूव की बात मैं कर रहा था वो ये है कि किसी भी शफल डेक से आप बिना देखें, स्पेक्टेटर जहाँ पे भी स्टॉप बोले आप उनका कार्ड बिना देखें आप इसको बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, और फिर आप जस्ट एक बार स्प्रेड करके आप ये पता कर सकते हैं कि स्पेक्टेटर का कार्ड कौन सा था। ओके वंस अगेन, बिल्कुल शफल डेक है ठीक है, तो इसमें स्पेक्टेटर कहीं पे भी स्टॉप बोले आप उनको उनका कार्ड दिखा के बिना देखें और बिना किसी कट्स के आप ये पता कर सकते हैं कि उनका कार्ड कौन सा था। सो बेसिकली ये एक बहुत ही इजी मूव है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन या कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आप स्पेक्टेटर को उनका कार्ड दिखा रहे हैं आप बेसिकली उसका जो ऊपर वाला कार्ड है आप वो देख ले रहे हैं ठीक है। सो उनका कार्ड जो भी हो आपको बस उसके ऊपर वाला कार्ड देखना है, फिर आपको किसी कट्स या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर आप जस्ट कैजुअली जब डेक को स्प्रेड करेंगे आप बस अपने इस कार्ड को देख लेंगे, इसके पहले वाला कार्ड ही स्पेक्टेटर का सिलेक्टेड कार्ड होगा। सो मैं इसको अपने ज़्यादातर रूटीन्स में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इतना इम्प्रॉम्प्टू है और इसमें पकड़े जाने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि उनको कभी ये पता भी नहीं लगेगा कि आप किस तरीके से मूव एग्जीक्यूट कर रहे हैं राइट। सो ये थी ट्रिक, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ओके गाइस सो अगली वीडियो तक बाय बाय।